हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड फ्राइज़। जब भी हम सैंडविच बनाते हैं तो उसकी एजेस हमेशा वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन अब वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन लिया है, साथ ही मैंने उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया है, जैसा भी नमक आप पसंद करते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, इससे कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी अजवाइन। अजवाइन मैं यहाँ पे थोड़ी सी ले रही हूँ, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है। कॉर्नफ्लोर डालने से जो है ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप इसे ज़रूर डालें, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ना डालें, इसके बिना भी ये अच्छा लगता है। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने के बाद हम इसमें पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे। पानी आप एक साथ ना डालें, जैसी हमें ज़रूरत होगी हम उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये बैटर जो है बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देखिए ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा ठीक। ये देखिए मैंने यहाँ पे सैंडविच बनाया था तो उसके एजेस हैं यहाँ पे जो मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल ऑलरेडी गर्म कर लिया है, गैस का फ्लेम मैंने कम रखा है। यहाँ पे जो बैटर हमने बनाया उसमें ये एजेस को अच्छी तरह से घोल देंगे हम। ये देखिए हल्के हाथों से करें और घोलने के बाद इसे फ्राई करने के लिए इस तरह से कढ़ाई में हम छोड़ देंगे। अगर आप बिगिनर हैं, कुकिंग सीख रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम ये डीप फ्राई कर रहे हैं तो आप इसे बहुत ही ध्यान से करें। तेल के छींटे अगर उड़ते हैं तो आप इसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। ऐसा करने से तेल के छींटे जो हैं वो नहीं उड़ेंगे। इसे तलते वक्त आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें, तेज़ आंच पे इसे ना पकाएं, ये बहुत जल्दी जल जाता है। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। साथ ही हम इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि सारी साइड से ये अच्छी तरह से पक जाए। आप ये फ्राइज चाय के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अजवाइन है, ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर चाय नहीं है तो किसी भी चटनी के साथ इंजॉय करें, टोमेटो सॉस के साथ इंजॉय करें, जैसे भी आपको पसंद है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ गया है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, और ये मैं निकाल लूँगी। तो ये बन के बिल्कुल तैयार है। आप बैटर बनाते वक्त बैटर में हरा धनिया भी काट के डाल सकते हैं, उससे भी इसका जो ये टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने धनिया अवॉइड किया है। तो चलिए ये बन के बिल्कुल तैयार हैं, इन्हें मैं निकाल रही हूँ। पूरी तरह से बन चुके हैं, तो आप इसे ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेके हमेशा आ सकूं। तो चलिए आप इसे एंजॉय कीजिए, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।